Assalamualaikum नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज ज़ाकिर मलिक फ्रॉम लंदन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले से कि जी आज जो कल की अपडेट्स आई हैं 30 जनवरी 2024 में, जो भी डेट्स सारी अनाउंस हो गई हैं भाई, जो पहले वो कह रहे थे कि केयर होम्स के डिपेंडेंट नहीं ला सकते, कब नहीं ला सकते और थ्रेशोल्ड जो है वो उसकी लास्ट डेट क्या है, वो सारी जो है वो अपडेट्स आ गई हैं। तो उससे पहले आप प्रोसेस कर ले इस सारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी डेट्स पता चल जाए और आप अगर आप या आपको भी पैर अपना प्रोसेस करवा रहे तो उसको ऑन टाइम जो है वो उसको प्रोसेस करवा ले ताकि आप ह्यूज इंपैक्ट से बच सके। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो डेट है मैं बताना चाहूंगा वो है 6 फरवरी। ये सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं ये 30 जनवरी 2024 को होम ऑफिस की तरफ से जो है वो अपडेट आई है। तो सबसे पहली जो है वो इंपॉर्टेंट डेट है जो कि पहले अनाउंस हो गई थी वो है 6 फरवरी। 6 फरवरी को IHS फीस जो है वो इंक्रीज हो रही है 624, जो पहले IHS की पर ईयर फी थी तमाम वीज़ाज के लिए, तो वो इंक्रीज हो गई है भाई। और 6 फरवरी या उसके बाद कोई भी प्रोसेस करवाएगा तो वो फीस हो जाएगी £1,035 पर ईयर। तो वो आपने 3 साल का लगवाना है या 5 साल का लगवाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर अभी भी आपके पास जो है वो टाइम है 6 फरवरी तक, तो उसको अगर आप जो है वो उससे पहले प्रोसेस करवा सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, तो आपकी फ़ीस जो है वो पुराने वाली रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो केयर होम्स का आपको दिसंबर में अनाउंस हुआ था, केयर होम्स के डिपेंडेंट ला सकते हैं, कब ला सकते हैं भाई, कब तक ला सकते हैं, कब तक नहीं ला सकते, कब के बाद नहीं ला सकते, तो वो डेट भी अनाउंस नहीं हुई थी, तो वो भी अभी डेट अनाउंस हो गई है भाई। तो वो डेट उसमें आई है वो है 11th मार्च 2024। उसके बाद जितने भी केयर होम्स के वीज़े पे आएंगे वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे। हाँ, इसमें एक कैच है छोटा सा, वो ये है कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो वो डिपेंडेंट को जो है वो उनका प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन जो लोग जो है वो अभी भी कंट्री के बाहर से आएंगे तो वो 11th मार्च के बाद जो भी आएगा वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकता, ठीक है जी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है अपना वो सैलरी थ्रेश होल्ड के वाले से। तो सैलरी थ्रेश होल्ड या टीयर 2 वीज़े पे सैलरी जो है वो पहले कम थी, ठीक है, वो 22,000 समथिंग थी, शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट थी कुछ और, तो वो उन्होंने दिसंबर के अनाउंसमेंट में वो उनका जी कि ये 38,700 हम कर रहे हैं। फिर बीच में आगे पीछे चमगोइयाँ हुई इधर उधर, भाई ये हम फिर रिड्यूस करके 29,000 है, 28,000 है या कुछ इस तरह की वो बीच में आ रही थी कि ये डिस्कशन चल रही है और इसको रिड्यूस कर देंगे। भाई अभी एक तो डेट भी आ गई है और दूसरा उन्होंने बता दिया है कि वो 38,700 ही होगा, यही फीस होगी और ये फीस इंप्लीमेंट होने जा रही है भाई 4th अप्रैल 2024 को ये इंप्लीमेंट होने जा रही है। जो भी टीयर 2 वीज़ा 4th अप्रैल 2024 के बाद लेगा उसको 38,700 के थ्रेशोल्ड को मीट करना होगा, तब जो है वो उसका आगे जो प्रोसेस है ILR की तरफ वो उसका वो चालू होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो स्पाउस वीज़े के वाले से था, स्पाउस वीज़ा जो है वो 18,000 पहले थी, तो 18,000 वो कह रहे थे कि 2012 से है, तो 2012 से लेके अभी मतलब वो 18,000 ही चल रही है, ठीक है, स्पाउस वीज़ा के लिए, तो वो भी इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया था 38,700 कर दिया था, लेकिन उसको फिर रिड्यूस कर दिया है 29,000 पे। तो 29,000 जो है वो शो करनी पड़ेगी अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर आना चाह रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर आना चाह रही है, तो वो 29,000 वो करना पड़ेगा, तो वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है इस अप्रैल में ही, ठीक है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और अपडेट है PSW वालों के लिए। तो PSW वालों के लिए भी जो कमेटी बैठी हुई थी वो कमेटी ने जो है वो फैसला करना था कि PSW को ख़त्म कर दिया जाए या PSW को रिड्यूस कर दिया जाए या ऐसा वैसा, मतलब काफ़ी चीज़ें डिस्कस थी, काफ़ी चीज़ें वीडियोज़ में भी आपने सुनी होंगी। तो PSW वो जो कमेटी है, कमेटी ने कहा जी हमने अभी तक कोई चीज़ डिस्कस नहीं की, कोई इस तरह का वो नहीं हुआ। तो अभी तक जो रूल है वो सेम वही है कि जो लोग मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या बैचलर के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए वो PSW है वो 2 साल का, वो जो PhD वाले हैं उनके लिए 3 साल का। तो PSW अभी फ़िलहाल उसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, कोई भी अगर चेंज आएगी तो वो मैं आपको अपडेट दूंगा। और इसके अलावा भी बाकी किसी भी किस्म की कोई अगर अनाउंसमेंट होगी तो उस अनाउंसमेंट के वाले से आपको बताया जाएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपनी वीडियोस जो है वो पोस्ट करता हूँ यूट्यूब के चैनल पे, टिकटॉक पे और इसके अलावा फेसबुक पे मेरा जो पेज है वो है नज़ाकत मलिक। तो नज़ाकत मलिक के नाम से आप चाहे फेसबुक पे ढूंढें, आप चाहे टिकटॉक पे सर्च करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें। और अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएं और इंस्टाग्राम पे आप जो है वो नज़ाकत मलिक सर्च करें और इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करें तो मैं आपको पर्सनली उसको रिप्लाई करूँगा। तो आप
अगर अपना प्लान कर रहे हैं 2024 में यहाँ पे आने का एजुकेशन के लिए, तो ज़रूर आएँ भाई, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। एक ही जो बड़ी चेंज हुई हुई है वो 1 जनवरी से, कि आप जो है वो अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते, बाकी आप खुद आ सकते हैं और अपना PSW 2 साल का एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तो फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।